गंगा राम नाम है तीरथ, जू गंगा की धारा, राम नाम से मिलती मुक्ति, जाने है जग सारा। जय बाबा गंगाराम। आज के भौतिक युग में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। सुख दुख तो संसार रूपी सरिता के दो किनारे हैं। सब कुछ जानकर भी हम अनजान हैं और जीवन के अंतिम उद्देश्य से भटक रहे हैं। ऐसे अंधकार में वास्तविक सुख और शांति की रोशनी दिखाई है। कलयुग के प्रत्यक्ष देव विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम ने लौकिक उन्नति के साथ साथ अंतर आत्मा का भगवान से मिलन होता है। बाबा गंगाराम के दर्शन से राजस्थान के झुंझुनू नगर में अवतरित बाबा का धाम श्री पंचदेव मंदिर भक्तों की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बन गया है। बाबा के श्री चरणों में विराजमान हैं भक्त शिरोमणि देवकी नंदन। सांसारिक बंधनों को तोड़कर भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले मोह माया से ऊपर उठकर तन मन धन न्योछावर करने वाले और महाप्रयाण के समय चिता पर अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले भक्त शिरोमणि देवकी नंदन को बाबा के चरणों में वही स्थान प्राप्त है जो भगवान श्री राम के चरणों में वीर हनुमान को प्राप्त है। सचमुच वो भक्त धन्य हो गया जिसे झुंझुनू वाले बाबा गंगाराम की कृपा का प्रसाद मिल गया। बाबा अपने भक्तों की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चों की करती है। श्री बाबा गंगाराम के भजन कीर्तन जहाँ भी होते हैं वहाँ बरसता है उनका आशीर्वाद और तेज। बाबा की परम आराधिका और भक्त शिरोमणि देवकी नंदन की धर्मपत्नी गायत्री देवी करुणा प्रेम और दया की जीवंत मूर्त है। शक्ति स्वरूपा गायत्री देवी की करुण पुकार पर भक्त शिरोमणि देवकी नंदन की चिता पर हुए अलौकिक चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया कि भक्त की पुकार सच्ची हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। अपने भक्त का मान रखने के लिए उन्हीं माता गायत्री देवी के उपदेश निर्देश बाबा के भक्तों को प्रेरणा संबल और जीवन में सही दिशा प्रदान करते हैं। सचमुच बाबा गंगाराम का दरबार भक्तों की मनोकामनाओं के लिए कल्प वृक्ष है। जय बाबा गंगाराम।